अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम सलमान। क्या करते हैं? मैं BScS कर रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। मुझे ये बताएं, इस वक्त जो इसराइल ने जंग लगाई हुई है फिलिस्तीन में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये कहूँगा कि पहले वक्तों में सहाबा के घरों में जब फाके होते थे ना, तो घरों में दीवारों में छः छः तलवारें लटक रही होती थी। अभी जो मुस्लिम उम्मा इतनी बेहिस हो गई है, सोई हुई है, और उनके पास हथियार नहीं है। हम नहीं सोच सकते कि किसी मुल्क के पास अभी हथियार है। सिर्फ वाहिद पाकिस्तान ही है जिसके ऊपर फलस्तीन भरोसा कर रहा है, पूरा पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान भी इतना ख़ास साथ नहीं दे रहा, ना एहतजाज कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, इतना सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर कोई कर भी रहा है तो उसको वो गिरफ़्तार कर लेते हैं। सऊदी में भी इस तरह है कि उनको गिरफ़्तार कर लेते हैं। तो जिस तरह पहले ज़माने में सहाबा के घरों में फाके होते थे और घरों में दीवारों में छः छः तलवारें लटक रही होती थी, इस तरह अभी मुसलमान हथियार तैयार नहीं रखते, ना उनके किसी के घर में भी कुछ हथियार नहीं है। तो इस वजह से मुसलमान इतने बेहिस हो गए। इस वक्त जो है इतने मुस्लिम ममालिक हैं, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, तुर्की है, लेकिन खामोश बैठे हुए हैं, कोई खास इकदाम उठा नहीं रहा, उसके बारे में क्या कहें? दरअसल ये ग़ुलाम बने हुए हैं अमेरिका के, उनकी जो भी बात आती है ना तो अमेरिका की बात मान लेते हैं। ग़ुलाम बने हुए हैं उनकी, मतलब उनको अड्डे दिए हुए हैं, उनकी बात ही कोई नहीं कर सकता, इतने डरे हुए हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद जो है ना वो मुसलमानों की है, लेकिन सबसे कमज़ोर भी मुसलमान ही हैं। इस वजह से वहाँ जा तो नहीं सकते, लेकिन मुल्क में रह के कम से कम इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट तो किया जा सकता है, लेकिन अभी वो भी देखने में नहीं आ रहा। बेशक नहीं, प्रोडक्ट्स का जैसे अभी उसका किया था, मैकडोनल्ड के किया था, KFC के किया था। अगर देखा जाए तो वैसे के वैसे ही आई थिंक सो रश है। नहीं किया था मैंने, जो स्टॉक्स है ना उसकी मैकडोनल्ड्स की भी देखी थी, वो गिर रही है, और KFC की भी गिर रही है, कोका कोला की स्टॉक्स भी गिर रही है। फ़र्क बहुत पड़ रहा है, उनको बहुत लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो बॉयकॉट करें, और जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर कर सकते हैं, तस्वीरें शेयर कर सकते हैं, करें, इससे सपोर्ट होगी। कम से कम खुदा के सामने हम कल ये बताने वाले तो बन जाएंगे ना कि अल्लाह हमने वीडियो शेयर की थी, हमने लोगों को आगाह किया था, कम से कम हमने ज़बान से तो बता दिया था ना, अगर हाथ से नहीं रोक सकते थे। तो ये सबसे बेहतरीन ईमान का हिस्सा है कि हम ज़बान से भी रोकें, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो हम ज़बान से इंशाल्लाह रोकेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा इतना इस अमेरिका के प्रोपेगंडे को ख़त्म कर सकते हैं, इसराइल के प्रोपेगंडे को ख़त्म कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा ये मुसलमानों को टेररिस्ट कहते हैं, खुद ही इतने ज़्यादा टेररिस्ट है। 10,020 तकरीबन वो इंजरी वो हो गए हैं, कत्ल हो गए लोग। इसराइल बहुत जुल्म हो रहे, इसराइल बहुत जुल्म कर रहे, बल्कि सारा मुस्लिम मुल्क, सारा मुस्लिम मतलब चुप के बैठे हुए, बहुत जाती हुए, बच्चा मर रहे, बूढ़ा मर रहे, जवान मर रहे, बहुत जुल्म हो रहे, साफी मर रहे, बहुत जुल्म हो रहे। अल्लाह उसके ऊपर रहम करे, अल्लाह उनको तबाह करे इसराइल को। मुस्लिम ममालिक इस वक्त क्यों खामोश बैठे हुए हैं? मुस्लिम ममालिक जो है इस वक्त क्यों खामोश बैठे हैं, कुछ कर क्यों नहीं रहे? मुस्लिम ममालिक अमरीकी से डर की वजह से खामोश बैठे हुए मुस्लिम ममालिक, सब मुस्लिम ममालिक अमरीकी के डर की वजह से खामोश बैठे हुए। अल्लाह उस मजलूमों पर रहम करे,